पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा काम का श्रेय लेने वाले भाजपा नेताओं पर जमकर बरसे। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया कि कुछ नेता उनके किए गए कामों का श्रेय लेना चाहते हैं, जो कि गलत है। उत्तराखंड के काशीपुर के भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा है। हरभजन सिंह ने कहा कि 20 साल से शहर की लड़ाई हमारे द्वारा लड़ी जा रही है और इसका श्रेय कोई और ले जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। 20 वर्ष से शहर के विकास के लिए हमने और वर्तमान विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि शहर की सड़कों के निर्माण करने, कानून व्यवस्था, नए रोडवेज बस अड्डे का निर्माण करना हो, महिलाओं और पुरुषों की बीमारियों के इलाज के लिए कई काम किए हैं। उन्होंने कहा कि जनता हमारे कामों से संतुष्ट है, लेकिन कई नेता इसका श्रेय लेना चाहते हैं, जो गलत है। काशीपुर के विकास के लिए मैंने अपनी उम्र के 20 साल लगाए। 20 साल में काशीपुर की आबादी लगभग 2.5 गुनी हो, बढ़ी हुई आबादी को सड़कें, पानी और बिजली और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई और ना अभी कोई कसर छोड़ी। इस साल में पिछले 31 मार्च से पहले पिछले वित्तीय वर्ष में 37 सड़कें काशीपुर की स्वीकृत कराई गई, जिनकी लागत 5.10 करोड़ रुपए थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये काम जो है मैंने किया, त्रिलोक जी ने किया, ये विधायक के नाते विधायक का फर्ज है, वो पूरा कर रहे हैं हम लोग। मैंने 20 साल किया है और जनता त्रिलोक जी के विकासीय कार्यों से संतुष्ट, लेकिन बहुत सारे हमारे जो लीडर हैं वो इसका श्रेय वो अपने ऊपर लेना चाहते हैं, लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे लोग भूले हुए नहीं होते। ये प्रयास किसका है, ये किसने कराया, सब जानती है, काशीपुर सब जानता है। काशीपुर में लोग पढ़े लिखे हैं, लंबे निवासी हैं, सब जानते हैं कि किसने क्या काम किया है, कौन क्या काम कर सकता है, ये भी सब जानते हैं। इसलिए हमें श्रेय की जरूरत नहीं, हमें काम की जरूरत, काशीपुर के विकास की जरूरत, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। और त्रिलोक जी बहुत समय अपना निकाल करके काशीपुर के विकासीय कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।